नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले और अभी विक्रमगंज से कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ के देख रेख हम को लग रहा है शायद से यही लोग करते होंगे, क्योंकि देश के कई राज्यों से यहाँ पर जब भीड़ होती है तो भीड़ संभालना उस वक्त मुश्किल होता था, परंतु आज यहाँ पर होली के भी त्यौहार है जिसके वजह से भीड़ कम हो रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले आपको माहे रमजान की हार्दिक बधाई और होली की शुभकामनाएं। दूर दराज से आए हुए मेहमान की हम सलाम पेश करते हैं और नमस्कार करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में माहे रमजान के शिद्दत में भी होली के अवसर पर अपने घर परिवार छोड़ गए हैं ये गुरु के लिए, तो इससे बड़ा चीज़ हो ही नहीं सकता है। और हम लोग बचपन से ही इस आस्थाना पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई जाति धर्म के हो कहीं के भी हो, हम लोग सेवा में खाना पानी चाय पान हम लोग हमेशा सेवा करते रहते हैं। आज से नहीं, बचपन से ही हम लोग जो भी अतिथि है कोई निःशुल्क रहता है, कोई नाम नहीं पूछा जाता है, किसी के घर पूछा जाता है, कोई भी आया इज्जत संस्कार से हम लोग एक गिलास पानी उठाकर उन लोग को मेहमान नवाजी करते हैं। यानी जितने लोग आते हैं उन लोग सुरक्षित यहाँ से आप लोग विदाई करते हैं? जी जी, सारे आदमी को हम लोग मेहमान को बाइज्जत इज्जत करते हैं और रखते हैं और प्रेम भाव से 25 तारीख को खास लंगर खिलाने के बाद यहाँ से विदाई करते हैं जो सरकार करते आए हुए हैं अपने रीजन से। चलिए, ये कितने दिनों से यहाँ पर हो रहा है? मने की कितने वर्षों से? करीब करीब 42वां उरुस के लमसम में 47वां उरुस है। उस वक्त आपका जन्म भी नहीं हुआ? नहीं हुआ था, जन्म से पहले। जन्म से पहले का हुआ था। चलिए, आप लोगों ने जानकारी दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ खो गए जी? हो गया। नमस्कार, देख रहा इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के रेणिया आश्रम में उपस्थित हूं और यहां पर लिखा गया है दरगाह रेणिया शरीफ। इस ऑफिस के बाहर में कुछ लोग हमारे साथ हैं और ये एक सच्चे दरबार में आए हुए हैं लोग, और कुछ जानकारियां लेकर के मैं सीधे आपको आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। इंजीनियर हातिम ताई वारसी जी, मुख्य संरक्षक अंजुमन इंतज़ामिया ट्रस्ट दरगाह रेड़िया शरीफ हज़रत बाबा गुलाम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह। और यहाँ पर अभी कौन सी कार्यक्रम हो रहा है? अभी कार्यक्रम जो है गागर शरीफ का हुआ है जस्ट, और इसके बाद जो है समा महफिल, यानी हमारे आदि गुरु सरकार बंदा नवाज आलम पना हज़रत सैदना सैयद हाजी हाफिज़ बारी सली शाह रहमतुल्लाह अलैह देवा शरीफ की याद में रात भर हम लोग महफिल सजाएंगे और याद में जो है कलाम वगैरह पेश किए जाएंगे। बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं, कव्वाल हजरात वगैरह,
तो वो लोग जो है कलाम पेश करेंगे सरकार बारिश पाक की शान में। यहाँ पर कितना भीड़ होती है? भीड़ तो 15,000-20,000 तक गई है, लेकिन इस बार चूँकि होली कल ही परसों होना है, इसलिए होली के मद्देनज़र लोग भीड़ भाड़ से बचने के ख्याल से कम आए थे तादाद में। क्या ये दरबार में सभी लोग आते हैं या फिर मुसलमान लोग ही आते हैं? इस दरबार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई मजहब नहीं जिस मजहब के लोग अनुयायी ना हो सरकार के। सारे मजहब के लोग फॉलोअर्स हैं और सारे मजहब के लोग कोई किसी से कम नहीं है श्रद्धा पेश करने के मामले में। सभी लोग समान श्रद्धा के तहत जो है आते हैं यहाँ। अभी जहाँ पर आपका आश्रम है ये गांव जो है एक हिंदू भाई लोग का गांव है। हाँ। और इसी गांव में आपका ये जो है मतलब आश्रम है, तो क्या यहाँ के लोगों की तरफ से कोई दिक्कत आप लोग को पूजा करने में? बिल्कुल नहीं, यहाँ बिल्कुल सहूलत दी गई थी हमारे सरकार को, हमारे गुरु जी महाराज को, तभी तो इस जगह को इन्होंने पसंद किया। और पसंद किया इसके बाद जो है जब तक आप रहे सब कुछ अच्छा रहा, और उसके बाद फिर हम लोग जो है इस लॉ को जो है इस रोशनी को फिर आगे बढ़ाने का नैरेटिव दे रहे हैं समाज को। यानी जहाँ सदियों से अंधेरा था वहाँ पर आपके जो गुरु जी हैं वहाँ करके उजाला फैलाने का प्रयास। उजाला फैलाए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे जितने भी दर्शक आपके इस आवाज़ को सुन रहे हैं? लव इज गॉड एंड नॉन वायलेंस इज द चीफ मीन्स ऑफ रिलीजिंग हिम। बस यही संदेश। उसको थोड़ा हिंदी में दोहरा दीजिए, क्या मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ परंतु सब लोग नहीं समझते। प्रेम ही ईश्वर है और सबके साथ प्यार से रहना अहिंसा अख्तियार करते हुए ही ईश्वर को पाने का सर्वोत्तम रास्ता है। सबसे पहली बात है कि ये सच्चा दरबार है और सच्चे दरबार में वही लोग आते हैं जिनका मन सच्चा होता है, और सच्चे दरबार में हर लोग के आने के लिए आज़ादी है। हर जाति के लोग यहाँ पर आते हैं, हर जाति के लोग पूछते हैं, हर जाति के लोग यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, दया प्राप्त करते हैं। और भगवान ने कभी किसी को जाति में नहीं बांटा है, हम लोगों ने बांटे हैं। क्योंकि भगवान को जब हम जाते हैं सर झुकाते हैं तो भगवान जो होते हैं, अल्लाह जो होते हैं इन लोग का, वो सबको एक तरफ ही आशीर्वाद देते हैं, सबको दुआ देते हैं कि सब सुख में रहो, सब खुश में रहो। परंतु यहाँ पर हम लोग विवादित करते हैं, तो विवाद को मिटाना है तो आलू के रूप में इनकी ख्वाहिश है कि गुरु जी महाराज का जो दरगाह है, जो दरगाह मुकम्मल तौर पर जो है अभी हो जाना चाहिए था लेकिन काम रुक गया किन्हीं कारण, अपरिहार्य कारणवश, और उस कारण का एक्सप्लेनेशन यहाँ वाजिब नहीं है, न तो यथोचित है न समयाचीन है। मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में यही कहना चाहूँगा कि सबका डिमांड यही है, सब लोगों की रूहें तड़प रही हैं कि अब वो काम शुरू करके दरगाह शरीफ का काम पूरा होना चाहिए। लिहाजा हम लोग ये तय कर रहे हैं कि दरगाह शरीफ का मुकम्मल काम हो जाए, और इस काम में हम जवानों से उनकी जवानी मांगेंगे, बूढ़े लोगों से, बुज़ुर्ग लोगों से उनकी सलाह और मार्गदर्शन मांगेंगे, और बच्चों से भी अखलाक और प्यार मांगेंगे, और इसके बदौलत जो है हम चाहेंगे कि दरगाह का काम पूरा किया जाए और एक समाज में नैरेटिव जाए। हम लोगों को मतलब इससे है कि गुरु जी महाराज का जो मिशन चल रहा है, जो हमारे सरकार का, हमारे मुर्शिद पाक का जो मिशन चल रहा है, वो मिशन प्रेम फैलाने का, इसके प्रचार प्रसार का, वो निरंतर बढ़ता रहे और हम लोग उसमें सहायक बने। चलिए, आपने जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लल जल गया। और अभी हमारे साथ डॉक्टर सदाम हुसैन वारसी जुड़ चुके हैं, इनसे भी कुछ जानकारियाँ लूँगा और कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले अपना परिचय दे दिए। मैं डॉक्टर सद्दाम हुसैन वारसी, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर के प्रवक्ता के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके चैनल के सभी श्रोता को नमस्कार पेश करता हूँ। यहाँ पर आज जो कार्यक्रम हो रहा है विगत कई सालों से हो रहा है, ये जो है यहाँ पे दो दिवसीय उर्स मेला का आयोजन सालों से ये चलते आ रहा है, और जब तक हमारे बाबा हुजूर जब हयात में थे तो ये वो कराया करते थे। उसके बाद बाबा हुजूर हमारे 1999 में पर्दा फरमाए, उसके बाद से अंजुमन इंतजामिया ट्रस्ट कमेटी का गठित किया गया। देखिए यहाँ पे जो डेट लिखा हुआ है, दिनांक 2/12/1999 को एक ट्रस्ट कमेटी बनाई गई जिसके तत्वाधान में, जिसके अंदर में ये दो दिवसीय उर्स मेले का आयोजन किया जाता है हर साल। उसके बाद ये सबसे पहले, ऐसे तो दो चार दिन पहले से ही लोग आने शुरू कर देते हैं, यहाँ पे हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन ये होली के चलते थोड़ी भीड़ कम है, फिर भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और
बिहार के तो आते ही हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बहुत जगह के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गंगा जमुनी तहजीब के तहत यहाँ पे उर्स मनाया जाता है और लंगरें आम चलती है। सबसे पहले जो है 5 बजे सुबह में 24 तारीख को गुस्ल होता है हमारे आदि गुरु का। उसके बाद जो है 8 बजे हम लोग जो है परचम कुसाई करते हैं, झंडोत्तोलन होने के बाद जो है उसके बाद दिन भर चादर पेश होता है और लंगर चलता है। चादर अपने जो भी श्रद्धालु आते हैं, जायरीन आते हैं, वो अपना पेश करते रहते हैं। चादर दिन भर पेश होता है, फिर उसके बाद लंगर चलते रहता है। फिर उसके बाद शाम में बाद मगरीब जो है आपको मिलादुन्नबी का प्रोग्राम होता है, मिलाद में बहुत सारे वो तकरीर वगैरह होती है। उसके बाद 9 बजे गागर शरीफ होता है, सरकार का गागर निकलता है। फिर उसके बाद 11 बजे से समाए महफिल कव्वाली शुरू हो जाती है। ये जो गागर निकलता है साहब का, वो गागर में किस किस धर्म और किस किस जाति के लोग शामिल होते हैं? इसमें जो है सब धर्म के लोग रहते हैं हमारे गुरु के दर में। ये जबकि ये जो गांव है रेड़िया शरीफ में एक भी घर मुस्लिम का नहीं था, लेकिन हमारे गुरु यहाँ पे आकर के अपना इतना बड़ा आस्थाना को शुरू कैंप किए और सभी लोग यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी लोग साथ देते हैं। कोई तरह की परेशानियाँ नहीं होती, कोई तरह की परेशानी नहीं है और सब कुछ अच्छे से मनाया जाता है। उसके बाद कल 25 तारीख को सुबह में कुरान खानी होगा। कुरान खानी के बाद शाम में सरकार का हम लोग शुक्रिया पेश करेंगे अपने गुरु महाराज का कि सब अच्छे से बीत गया और फिर अपने अपने जगह पे लोग चले जाते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आपने जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश के कई राज्यों से यहाँ पर जब भीड़ होती है तो भीड़ संभालना उस वक्त मुश्किल होता था, परंतु आज यहाँ पर होली के भी त्योहार है जिसके वजह से भीड़ कम हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले आपको माह रमजान की हार्दिक बधाई और होली की शुभकामनाएं। दूर दराज से आए हुए मेहमान की हम सलाम पेश करते हैं और नमस्कार करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में माह रमजान के शिद्दत में भी होली के अवसर पर अपने घर परिवार छोड़ गए हैं, ये गुरु के लिए तो इससे बड़ा चीज़ हो ही नहीं सकता है। और हम लोग बचपन से ही इस आस्थाना पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई जाति धर्म के हो, कहीं के भी हो, हम लोग सेवा में खाना पानी चाय पान हम लोग हमेशा सेवा करते रहते हैं। आज से नहीं, बचपन से ही हम लोग जो भी अतिथि है, कोई निःशुल्क रहता है, कोई नाम नहीं पूछा जाता है, किसी के घर पूछा जाता है, कोई भी आया इज्जत संस्कार से हम लोग एक गिलास पानी उठाकर उन लोग को मेहमान नवाजी करते हैं। यानी जितने लोग आते हैं उन लोग को सुरक्षित यहाँ से आप लोग विदाई करते हैं? जी, सारे आदमी को हम लोग मेहमान को इज्जत करते हैं और रखते हैं और प्रेम भाव से 25 तारीख को खास लंगर खिलाने के बाद यहाँ से विदाई करते हैं जो सरकार करते आए हुए हैं अपने रीजन से। चलिए, ये कितने दिनों से यहाँ पर हो रहा है? मैंने ये कितने वर्षों से? करीब 42वां और उसके लमसम में 47वां और उस है। उस वक्त आपका जन्म भी नहीं हुआ था। जन्म से पहले।